तो दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हो अपने लिए बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी भैया एमजेड की ब्रांडिंग का, मीन्स गाइज एमजेड अपने भैया स्पीकर के मामले में बहुत ही यानी सुपर हिट माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे इसके यहाँ पे स्पीकर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा, A005 से लेकर के TG113 से लेकर के A006 से। अभी गाइज यहाँ पे नया वेरियंट आया है, ये है गाइज एमजेड, यहाँ पे मतलब ये है M408SP। दोस्तों हैवी वेस है, सिंपली लाउड एंड क्लियर, ये इनकी टैगलाइन होगी सिंपली गाइज, यानी ये भैया एक और इन टैगलाइन तो ये है गाइज बी बिलीव इन क्वालिटी। जो दोस्तों देखते हैं हम ऐसे में, दोस्तों पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है एमजेड के स्पीकर में, अब गाइज यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है सच में भैया बिलीव कर सकते हैं हम, क्योंकि भैया ये खुद भी भैया बिलीव करते हैं। इसी बीच दोस्तों यानी बहुत सारे फीचर जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है, और दोस्तों जो भी इसके भैया बटन फंक्शन है जैसा कि आप देख सकते हो जो कि यहाँ हाईलाइटेड है, और दोस्तों RGB इनकी सीरीज बताई जा रही है, मीन्स गाइज RGB का धमाका यानी दोस्तों जो लाल नीली लाइट्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अब गाइज जो मेन फीचर है जो कि पढ़ते हैं, इसकी बैटरी भैया 1200 mAh की है। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे स्पीकर की, मतलब दोस्तों 4 ohm 5 volt का यानी एक ही स्पीकर लगाया हुआ है, और गाइज यानी बैटरी बैकअप का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। देखते हैं गाइज यहाँ पे मैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको बैटरी बैकअप के साथ, इसकी फाइनल प्राइजिंग के साथ, और गाइज जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इस स्पीकर से रिलेटेड जरूर हम शेयर करेंगे। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और गाइज यहाँ पे एक छोटा सा लाइक आप इस वीडियो को भैया कर दें, ताकि गाइज हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का एक हौसला बुलंद रखें। ऐसी भी दोस्तों इसको हम भैया निकाल लेते हैं, लो जी पहली बार ही ये आपके सामने खुल रहा है। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा स्पीकर आपको हम भैया पूरा तरीके से दिलाने की कोशिश करेंगे, जो कि भैया अंडर 500 में तो कहेंगे ही, 500 में से भी दोस्तों बहुत ही कम है, क्योंकि दोस्तों हम भैया पूरा आपको बताने वाले हैं। पहले सबसे मिलती है ये भैया USB केबल, जो भैया इसको चार्जिंग करने में मतलब बढ़िया चार्जिंग, मतलब ठीक ही क्वालिटी कहेंगे इसको। अब गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पर ही चलते हैं, डब्बे में भैया कुछ नहीं रहा। अब ये है स्पीकर जो है गाइज एमजेड की तरफ से वाजिबा, उसे ये भैया एक पन्नी है जो कि अच्छी क्वालिटी की है। अब गाइज देख सकते हो यहाँ पे एमजेड का यहाँ पे स्पीकर कलर वेरिएंट बता देते हैं सबसे पहले। क्लियर दोस्तों यानी देख सकते हो ब्लैक से लेकर के बहुत सारा रेड ये हो गया ब्लू वाला, और दोस्तों यहाँ पे ग्रे टाइप, यानी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी बीच दोस्तों बटन सेगमेंट पे आते हैं, सबसे पहले ही बटन आपको मोड वाला हो गया, प्लस जो भी प्लस माइनस वाले हो गए, और यहाँ पे RGB लाइट वाला हो गया। इस वाले सेक्शन पे देखा जाए तो दोस्तों डेडिकेटेड यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, पहले इसको ऑन ही करते हैं। वेलकम टू MC म्यूजिक वर्ल्ड, ब्लूटूथ मोड। लो जी सबसे पहले RGB लाइट ढूंढ लेते हैं, ये है गाइज इसकी RGB लाइट, और मैं यहाँ पे लाइट ऑफ करके भी दिखाता हूँ आपको क्या कुछ इसका एक्सपीरियंस है, जैसा कि आप देख सकते हो फील कर सकते हो कितना आपके एरिए को ये भैया करता है। इसी बीच दोस्तों मैं लाइट फिर से ऑन कर दी है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म मिलता है, और फॉर्म के ऊपर देख सकते हो गाइज कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ब्लैंक है, और कहीं पर दोस्तों यानी MZ की ब्रांडिंग में मिलती है। इसी बीच दोस्तों ये है MZ की ब्रांडिंग, जो भैया उतार भी सकते हो, मैं देखता हूँ उतार के। दोस्तों बिल्कुल हार्डली ग्लू से लगाई हुई है, इसको भैया बाद में देखते हैं। इसी बीच दोस्तों सबसे पहले एक मस्त क्वालिटी की यहाँ पे स्ट्रिप मिलती है, जो भैया इस प्रकार से कैरी कर सकते हो, और कहीं पे गाइज लटका भी सकते हो इसको। इसी बीच दोस्तों यहाँ पे RGB लाइट ये हो गया, और फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले जो फीचर है यहाँ पे USB वाला, और ये भैया चिप वाला, और 205 volt की यहाँ पे DC चार्जिंग मिल जाती है। अगर गाइज जो आप दूसरी केबल लगाओगे तो भैया ऑक्स वर्किंग मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो प्लेट है मोस्टली MZ के मतलब 3-4 मॉडल में पक्की आती है, ऑन करने के लिए बटन हो गया है। दोस्तों ये लाइट है जो कि ब्लिंक कर रही है, मीन्स ये ऑन है। अब गाइज चार्जिंग के लिए यहाँ पे रेड ये लाइट जल जाती है। अब गाइज साउंड क्वालिटी की बात की जाए जो आपको अभी दिखाने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते इसकी प्राइजिंग की। देखो प्राइजिंग आपको ये पड़ जाता है सिर्फ 400 रुपये, यानी दोस्तों 400 रुपये में कमाल का यहाँ पे डिज़ाइन है इसका, और दोस्तों ये अंडर ब्रांड मतलब वारंटी में भी आता है अगर कोई इसको क्लेम कर सकता है तो, क्योंकि दोस्तों नियरस्ट जो भी ब्रांच रहती है वो भी ज़्यादा झंझट नहीं लेती, मतलब दोस्तों उनके पास भैया कोई टाइम नहीं है इसको रिप्लेसमेंट करवाने के लिए। इसी बीच दोस्तों वारंटी तो रहती है, अगर आप नियरस्ट कोई भी MZ के ऑफिस में जाते हो
यानी दोस्तों यानी कमाल का ये स्पीकर है। यानी दोस्तों MZ के बहुत सारे इससे पहले भी हमने स्पीकर की अनबॉक्सिंग की है। ये वाला स्पीकर दोस्तों सिर्फ 400 रुपये में आ जाता है। यानी दोस्तों बेसिक जो पॉइंट है इसका 400 रुपये वाला मेरे को बहुत ही शानदार लग रहा है, क्योंकि 400 रुपये में भी आपको अच्छे वाले अच्छे तरीके से स्ट्रिप मिल जाती है, RGB लाइट मिल जाती है, और गाइस यहाँ पे फोम जो भैया इसके बेस को पावरफुल बनाएगा, और एक इसका स्पीकर जो भैया RGB से लिपटा हुआ है और MZ की ब्रांडिंग के साथ साथ, मतलब बहुत ही यानी मतलब कमाल का स्पीकर है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है, लोकल हो कहीं बगाओ इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब गाइस इसकी साउंड और यहाँ पे बैटरी बैकअप मैं अभी यहाँ पे 5-10 मिनट लेकर के अभी इसको भैया चेक करके बताता हूँ इसकी बैटरी बैकअप को, और गाइस ये भैया कितना दम रखता है इसकी बेस और ट्रिबल। चलिए गाइस, तो गाइस हम आ चुके हैं इसको चेक कर करके। अब दोस्तों यहाँ पे NCS की यहाँ पे जो भी साउंड है उसको अवॉइड करते हुए सिंपली मैं भैया 2-3 सेकंड की यहाँ पे साउंड आपको बताता हूँ कैसी इसकी साउंड है। जैसे कि तो गाइस जैसा कि आपने देखा साउंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अच्छी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों 400 रुपये में आपको मस्त साउंड क्वालिटी के साथ RGB में डिजाइन मिल जाता है, बहुत ही कमाल का फीचर और यहाँ पे कमाल का डिजाइन के साथ साथ कमाल के प्राइस को देखते हुए दोस्तों हम इस स्पीकर को देते हैं 5 में से 5 स्टार। इसी बीच दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको भैया बहुत ही आनंदीय मतलब मस्त वीडियो लग रही होगी। इसी बीच दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो दोस्तों लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी दोस्तों बहुत सारे स्पीकर हमने लिस्टेड कर रखे हैं, आप भैया चेक तो करो कम से कम जा करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।